नगरी पोखरण में कोरोना की दस्तक के बाद महिला पुलिस व महिला चिकित्सा कर्मी योद्धाओं की भूमिका अदा कर रहे हैं। खाकी के जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद हैं तो स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जिंदगियां बचाने में जुटे हैं। कोरोना की इन योद्धाओं के बुलंद हौसलों से ही आज पोखरण शहर में संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने परमाणु विस्फोट वाली नगरी में ऐसा कह डाया कि सरकार से लेकर सियासत और अमीर से लेकर गरीब तबके तक सबकी सांसें रुक गई। अब इन महिला योद्धाओं के दृढ़ इच्छा शक्ति और संसाधनों के बलबूते पर पोखरण को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल किया गया। कोरोना की जंग में यूं तो प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही, लेकिन संघर्ष के इस दौर में तल्ख धूप में खड़ी महिला कांस्टेबल और चिकित्सा विभाग में कार्यरत जीएनएम व एएनएम के जज्बे को सब सलाम कर रहे हैं। जब इनकी सेवाओं की ओर लोगों का ध्यान जाता है, सर इनकी सलामती और श्रद्धा में झुक जाता है। कोरोना की इस लड़ाई में पोखरण पुलिस थाने में कार्यरत महिला कांस्टेबल तल्ख धूप में अपने परिवार के लोगों से दूर रहकर कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। खाकी के इन कंधों पर परमाणु नगरी के लोगों को नाच और फक्र होता है। फेस मास्क वगैरह लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चलाए और पूरे दिन काम करने के बाद जब भी घर जाते हैं तो उसके बाद अपने पूरे सैनिटाइजेशन का पूरा पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है और उसके साथ साथ अपने बच्चों के पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए घर को पूरी तरीके से देखभाल करी जाती है और इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से कोविड को हराने में कोशिश कर रहे हैं और हम एकदम बिल्कुल इसमें सफल होंगे, कामयाब होंगे। मेरा नाम पुष्पा खत्री है, मैं ऐसे सहयोग हूँ जिला बासकीवाड़ नंबर 17। अभी मेरे पास 12, 17, 18 तीन वार्ड दिए गए। मेरे को जब भी पता चलता है कोई बाढ़ से आया, उषा जी हमें लिस्ट देते हैं कि वो बाढ़ से आया, तो उसी समय हम घर से निकलते हैं और उनके फॉलो करने के लिए जाते हैं और 14 दिन तक कंटिन्यू उनके घर पे जाके उनके हालचाल पूछते हैं और बाढ़ निकलने के लिए मना करते हैं और उनको और उनके बच्चों और हमारे को और हमारे बच्चों को सबको स्वस्थ रखने की हम भगवान से कामना करते हैं। तो देखते हैं हमें घर गए हुए 2-3 दिन हो गए, घर वालों को यही सलाह देते हैं कि आप घर में रहो और हम जहाँ तक हमारा हो सके उसी को करते हैं, जनता को भी बोलते हैं कि घर में रहे, सुरक्षित रहे और आप लोग सुरक्षित रहोगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे उनके साथ। सुबह से शाम तक हम लोग फील्ड में रहते हैं और डेली जो सैंपलिंग वाले पेशेंट होते हैं उनको 14 दिन घर पे क्वारंटाइन में रखा जाता है, उनका फॉलोअप हम लोगों को करना पड़ता है। तो हम लोग आशा और सब मिलकर टीम बनी हुई, टीम द्वारा ये कार्य करते हैं और इसके साथ साथ हमें पॉजिटिव एरिया में भी जाते हैं जहाँ पर भी उन लोगों को चेक करते हैं और उसके बाद खुद का भी ध्यान रखते हैं और घर आने के बाद पूरा सैनिटाइज का ध्यान रखते हैं, स्नान होना, कपड़े वपड़े सारा अलग से करना, वो करना, उसके बाद परिवार वालों के साथ उठना बैठना ये सब होता है। इसके कारण हम 2-3 महीने आगे जाते हैं और घर वालों को भी सुरक्षित रखते हैं और घर वालों को भी बोलते हैं घर में रहने के लिए ना कि बाहर जाना और आप सुरक्षित रहोगे तभी हम सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है।